हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्मिनेट लर्निंग्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आईपी एड्रेस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं और ये कौन सा वर्जन चलता है, और पूरा इंफॉर्मेशन आईपी एड्रेस के बारे में इस वीडियो में हम आपको आपसे बताएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो आईपी एड्रेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा पोस्ट ऑफिस में। मतलब कि पोस्ट ऑफिस मतलब कि आप जैसे कि घर पे आपके घर लेटर आ रहा है पोस्ट के द्वारा, वो कैसे आ रहा है, तो आपके घर का एक यूनिक एड्रेस होगा जिसके द्वारा आप लेटर को पा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपका यूनिक एड्रेस होना चाहिए। सेम उसी तरह जैसे आप इंटरनेट पे जाते हैं और किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो आपको रिजल्ट दिखाता है, तो इसके बदले में आप कौन है इसको जानने के लिए वो आपका आईपी एड्रेस लेता है। तो आईपी एड्रेस उसी से वो पता करता है। और अगर आप दूसरे चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे रूटर है और जितने भी डिवाइसेस सबका, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस सबका एक आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस स्टैटिक भी होता है और डायनेमिक आईपी एड्रेस भी होता है। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनेमिक आईपी एड्रेस तो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको नहीं समझ आए तो फिर से मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप अगर बाइक खरीद रहे हैं या कार खरीद रहे हैं तो उसका भी एक नंबर होता है जो यूनिक होता है और किसी के पास वो नंबर नहीं होता। तो उसी तरह अगर आप गलत काम कर रहे हैं बाइक से या कोई और आपकी बाइक लेकर चला गया तो उसके आप पता लगा सकते हैं, या आप गलत काम कर रहे हैं तो पुलिस आपका पता लगा सकती है आपके बाइक का नंबर देख के भी, और अगर आप बाइक से कुछ गलत कर रहे हैं तो। तो सेम उसी तरह अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी गलत चीज़ करते हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उससे आपके इंफॉर्मेशन देख सकता है आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपको पकड़ भी सकता है, आपके मोबाइल को ट्रेस भी कर सकता है आईपी एड्रेस से। लेकिन ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं आईपी एड्रेस स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में। स्टैटिक आईपी एड्रेस तो सबका नहीं होता, स्टैटिक मतलब होता है जो हर समय के लिए रहे वही सेम बना रहे, और डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है जो हरदम चेंज हुआ करे, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत से वीडियो हैं आपको बताएंगे चेंज कैसे किया जाता है, लेकिन सबसे आसान तरीका है आप अगर मोबाइल चला रहे हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं तो उसमें आप एरोप्लेन मोड को ऑन कर दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, फिर उसके बाद फिर से चालू कर लीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। और आईपी एड्रेस को कैसे सर्च कर सकते हैं, आईपी एड्रेस अपना जानने के लिए आप गूगल पे जाके व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस टाइप कीजिए और सर्च कीजिए, तो आपका लोकल आईपी एड्रेस आपको शो कर देगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत से वीडियोस हैं जो आपसे दावा करते हैं कि आपका आईपी एड्रेस वो पता कर सकते हैं, या तो किसी का भी आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं और उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। हाँ ये है, लेकिन आपका आईपी एड्रेस से वो आपकी लोकेशन तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन आपके स्टेट सिटी कहाँ पे आप रहते हैं ये सब बता सकते हैं, और कौन से मोबाइल का सिम है ये सब वो पता कर सकते हैं। ये सब तो आप IANA से भी पता कर सकते हैं। IANA क्या होता है, एक ग्लोबल वर्ल्ड में पूरे जो आईपी एड्रेस सबको देता है IANA के द्वारा ही दिया जाता है। IANA तो ये है जो आपको आईपी एड्रेस देता है। आईपी एड्रेस को ये बहुत से अलग अलग जगह पे इसको अलग टाइप में ये आईपी एड्रेस को डिवाइड किया है, और इस अलग अलग कॉन्टिनेंट के कंट्री में आईपी एड्रेस को ये डिवाइड करके रखा है। फिर उसके बाद अगर आप अपना आईपी एड्रेस देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करते हैं ipnic.net, इससे आप सर्च करके आप अपने घर का लोकेशन, इसी से बहुत से वेबसाइट है जो आपको बताते हैं कि हम आपका आईपी एड्रेस ट्रेस कर सकते हैं या दूसरे का आईपी एड्रेस ट्रेस कर सकते हैं, आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं मोबाइल नंबर से। तो ये तो आप तो इसको तो आप खुद ही उसके ऑफिशियल वेबसाइट apnic.net वेबसाइट पे जाके अपना आईपी एड्रेस डाल के फिर उसके बाद वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप अपनी जानकारी पा सकते हैं, जैसे सिटी नेम आपका कौन सा था और कंट्री कौन सी थी, आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं और सर्विस प्रोवाइडर कौन था। तो उसके बाद ये सब देखने के बाद अब आ जाते हैं वर्जन्स के ऊपर, आईपी के वर्जन्स। तो फर्स्ट वर्जन आता है IPv4 जो अभी चल रहा है, तो इसमें IPv4 और जो होता है वो 32 बिट का होता है, और ये बाइनरी डिजिट में लिखा होता है 0 और 1 में, और ये 8
डिजिट के बाद वन पॉइंट आता है और ये फोर पॉइंट में लिखा होता है। और जो IPv6 होता है वो 128 बिट का होता है। तो IPv4 की जगह IPv6 लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि IPv4 जो है 192.128.12.1 फिर उसके बाद नंबर लिखे जाते हैं। तो इसका जैसे कि 6.28 बिलियन लोग इसका यूज़ करते थे। जैसे कि अब देख रहे हैं कि इंटरनेट की यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत से लोग इस्तेमाल करने लगे, इसलिए यहाँ पे IP एड्रेसेस कम पड़ रहे थे। इसके लिए हम लोग को दूसरा वर्जन लाना पड़ा IPv6। IPv6 में अभी तक ये सबसे बड़ा है, ये कभी ख़त्म भी नहीं हो सकता, कि अगर एक आदमी 4 से 5 मोबाइल रखे तब भी ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये 128 बिट का है। इसमें कोलन का यूज़ होता है और IPv4 में पॉइंट का यूज़ होता है, जैसे कि आप फ़ोटो में देख भी सकते होंगे। तो अब आपने पूरी तरह से IP एड्रेस को समझ लिया है। फिर उसके बाद आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आई होगी, और समझ आने के बाद अगर समझ आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आगे के वीडियोज़ मिल सके, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।